Good morning, children. Let's continue past tense. Today I will discuss the remaining portion of past tense. Let's start with past continuous tense. Students, you can see here in this structure, affirmative, negative, interrogative, all the three and interrogative. आप देख लीजिए यहाँ पे negative is discussed. Chart एक बार आप पढ़ लीजिएगा बेटा. Now, use of past continuous tense. It is used to denote an action going on at some time in the past. Clear? Past में कोई भी चीज़ जो थी, घटना जो थी, वो काफ़ी देर तक जो चली थी. It expresses an action continuing over a period of time in the past. जैसे देखिए, राहुल was explaining us about his experience of a broad trip. क्लियर? वो बता रहे थे. तो काफ़ी देर तक जो घटना चली हो पास्ट में, उससे हम कहते हैं पास्ट कंटिन्यूस. In this tense, the time of action, that is time phrase, may or may not be indicated. ज़रूरी नहीं है कि time phrases जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो indicate हों इसमें. हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. Time of action also. Children were swimming in the morning. Clear? Cost of living was getting higher and higher. पहले वाले में देखिए आप, time phrase में देखो in the morning जैसे दिया हुआ है. And in the second sentence, nothing is mentioned regarding the time phrase. Okay. This tense is also used with always, continuously, continually, etc. to express persistent habits of the past. Clear? Subhash was always willing to help others. एक habit में है, persist करना मतलब जो continue करता है आपकी habits में, व्यवहार में. सुभाष का देखिए, वो ऑलवेज मतलब हमेशा सबकी हेल्प करना चाहते हैं. दिस टेंस इज यूज टू सजेस्ट अ ग्रेजुअल डेवलपमेंट इन एनी एक्शन. टाइम एक्सप्रेशंस आर नॉट यूज्ड इन सच केस. ओके. यंग बॉय वाज बिकमिंग मोर एंड मोर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. यहाँ पे आप देखिए, डेवलपमेंट हो रही है आज की जनरेशन्स में, जो चीज़ें हम एक्सप्रेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेंस. आज के लड़के जो हैं, ज़्यादा ज़्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहे हैं. बॉस वॉज गेटिंग मोर एंड मोर डिमांडिंग विद मिस्टर सुरेश. द सिंपल पास्ट टेंस इंडिकेट्स अ डेलिबरेट एंड प्लान्ड एक्शन, वेयर एज द पास्ट कंटिन्यूस टेंस इंडिकेट्स अ मोर कैजुअल एंड लेस डेलिबरेट एक्शन. एग्जाम्पल्स देखिए मेरे यहाँ पे, मिस्टर मेहता ट्रेवल्ड ऑल अराउंड द इंडिया. क्लियर? डेलिब्रेट मतलब ये जानबूझ के जो काम आप कर रहे हैं. और सेकंड में देखिए, मिस्टर मेहता वॉज ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड ड्यूरिंग हिज पोस्टिंग इन द फॉरेन मिनिस्ट्री. अब वो फॉरेन मिनिस्ट्री में थे तो वो ट्रैवल कर रहे थे. दिस सेंटेंस इज इन द कैजुअल सेंस एंड द फर्स्ट वन इज यूर इन अ डेलिब्रेट इज पुटिंग मोर स्ट्रेस. क्लियर? इसमें ख्वाहिश, इच्छा दिख रही है सेंटेंस में आपकी. द सेकेंड सेंटेंस सजेस्ट दैट द स्पीकर हैड नॉट इंटेंशनली प्लान टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड ड्यूरिंग हिज पोस्टिंग. अब उनको होता था तो वो जाते थे. इन मेनी केसेस द पास्ट कंटिन्यूस साउंड्स मोर पोलाइट दैन द सिंपल पास्ट टेंस. एग्जाम्पल्स वर यू वर्किंग बिफोर यू ज्वाइन दिस ऑफिस. दिस इज़ योर पास्ट कंटिन्यूस. वेयर डिड यू वर्क बिफोर यू ज्वाइन दिस ऑफिस. दिस इज़ योर सिंपल पास्ट. हियर इन बोथ द सेंटेंसेज यू कैन रीड. बेटा दोनों में अंतर ये, द सेंटेंस विद पास्ट कंटिन्यूस इज मोर पोलाइट कंपेयर टू सिंपल पास्ट टेंस. ओके. वंस अगेन, पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए आप देखिए यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर बना हुआ है. इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा. यहाँ हम देखेंगे यूजेज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस. इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट. घटना शुरू हुई है, हो रही है. डिस्क्राइब एन एक्शन कंप्लीटेड, ठीक है, सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, वो कंप्लीट हो चुका है घटना. माई अंकल हैड स्टडीड बिजनेस मैनेजमेंट इन 2005. वो कंप्लीट हो चुका, पढ़ ली चुके हैं. ही हैड लर्न स्विमिंग इन हिज चाइल्डहुड. पास्ट इंसिडेंस है लेकिन कंप्लीट हो चुका है वो. इफ़ टू एक्शंस हैपेंड इन द पास्ट इट मे बी नेसेसरी टू शो विच एक्शन हैपेंड अर्लियर देन द अदर. अगर दो घटना लगातार पास्ट में हुई है तो हमें ये नेसेसरी है कि बताना कि कौन सा पहले हुआ था. एग्जांपल देख लीजिए बेटा, अभी
The past perfect and simple past combination is mainly used in such situations. The simple past is used in one clause to show the action that happened later, and the past perfect in the other to show the action that happened earlier. Okay, earlier means pehle, later means baad mein. When I switched on the TV, the movie had ended. He had left for school when I went to his house. Clear? Next आप देखिए बेटा, this tense is used with verbs such as hope, expect, think, mean, etc. to suggest an expected past action that did not take place. Example, school authorities had hoped that most of the students would come to the feast. इसका मतलब क्या है, वो expect किए थे ज़्यादा के लिए, लेकिन उतने नहीं आए. She had wanted to catch 9:30 train but her car broke down on the way to the station. मतलब वो चाह रही थी लेकिन वो नहीं कर पाई. क्लियर? नेक्स्ट आप देखिए चार्ट बेटा, आप रीड कर लीजिएगा आप लोग. अब यहाँ पे देखिए, यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. दिस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन डैट बिगेन बिफोर अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू सम टाइम बट इट हैजंट गॉट एनी इफेक्ट लेफ्ट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. At that time, he had been driving his car for 3 years. किसी पहले की बात है बेटा, ये घटना हो रही है, कंटिन्यू हुई थी और ख़त्म भी हो गई है, लेकिन उसका कोई इफेक्ट लेफ्ट नहीं है अभी जब हम बात कर रहे हैं. ओके, सो दिस इज़ योर पास्ट कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस, एंड गो थ्रू इट मोर क्लियरली. वी विल डिस्कस ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस. Read the chapter. If you have any doubt, you can ask me during online classes. Thank you, students.